नमस्ते, मेरा नाम नेविल नवीन मोरस है। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूं। मैं आज आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको मैं प्रूव और समझाने आया हूं। हाँ, आप बोल सकते हैं तुम्हारे हाथ में चौक नहीं है और बोर्ड नहीं है, तुम कैसे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। आज आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम इस मॉडल के प्रैक्टिकल वे में आपको मैं समझाने आया हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमको बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब 10वीं SSLC स्टूडेंट हो सकते हैं, मतलब 9th स्टूडेंट को हो सकते हैं, हमको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम यह है और इजी और बहुत इंटरेस्टिंग मतलब बहुत इंटरेस्टिंग आता है ये थ्योरम। हम अभी सिनेमा और फिल्म बोलते हैं, हमें शाहरुख खान याद आते हैं, ऐसे ही आमिर खान याद आते हैं, और फुटबॉल बोलते ही हमें रोनाल्डो मेसी ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स याद आते हैं। ऐसे सभी एक एक फील्ड में देखा तो एक बहुत व्यक्तियां बहुत याद आते हैं, हम सब आते हैं। ऐसे ही पाइथागोरस बोलते ही हमें ऐसा एक ट्रायंगल हमें याद आना चाहिए, देख सकते हैं ऐसा ट्रायंगल। कभी हम पाइथागोरस नाम बोलते ही हमें ऐसा मॉडल याद आना चाहिए। अब पाइथागोरस क्या कहता है, वो क्या कहते हैं, एक स्क्वायर बी का स्क्वायर इसको समान इक्वल है इसको, एक स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल टू सी, राइट। अब हम प्रूव करना चाहिए, कैसे प्रूव करोगे विदाउट एनी चॉक, कैसे तुम बोर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें प्रैक्टिकली नहीं। अब हम मैं आपको बताऊं और एक बार बताता हूं क्या कहते हैं पाइथागोरस मॉडल। ए का स्क्वायर, हियर देखिए ए का स्क्वायर, देखिए यहां मैंने इस एक कार्डबोर्ड में ए स्क्वायर लिखा है, आपको देख सकते हैं ए स्क्वायर यहां करूंगा ए का स्क्वायर, वो कह रहे पाइथागोरस कह रहे ए का स्क्वायर, राइट। B का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लिया मैंने सेम एक कट करके मैंने ऐसा रखे, देख सकते हैं इधर। और अभी क्या करना है हमें, C का स्क्वायर को इक्वल्स है, राइट। C का स्क्वायर मतलब ये B इधर हो गया, मैं देख सकते हूँ C का स्क्वायर के लिए इक्वल है, C का स्क्वायर इधर देख सकते हैं। मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ, देखिए इसका दो का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, ये दोनों इसको इक्वल्स है, इसको इसके लिए इक्वल्स है। हम यहाँ इसको प्रूव करना चाहिए, अभी हम इसको देखते हैं, अभी मैंने ऐसे रखा तो और ऐसे रखा तो हमको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन प्रूव करने के लिए इधर हम माउंट नहीं कर सकते, क्यों ये बहुत बड़े हैं और ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमें पता है कि सी को इक्वल है ना, ये दो स्क्वायर सी के लिए इक्वल है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इसको यहाँ माउंट करना पड़ेगा, मैं इधर इसको रखता हूँ और अभी मैं इधर ये C का स्क्वायर रखा तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, लाइक दैट। अभी क्या करना है, अभी हमको इधर इसको ऊपर रखना चाहिए, थोड़ा लॉजिक हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम कट नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते इसलिए मतलब यहाँ रखना है तो हम कट करना पड़ेगा एक शेप को, लेकिन कट बिना कट करके हमको लॉजिक यूज करना है क्या। अभी इसको C का स्क्वायर है ना, यस C का स्क्वायर आ गया, C का स्क्वायर यहाँ प्रूव हो चुका है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऐसे तो यहाँ इस C स्क्वायर देखिए, A का स्क्वायर C को इक्वल्स है, B का भी C का इक्वल्स है सबका। ऐसे तो इस मॉडल के द्वारा हम पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ देख सकते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, इसके द्वारा हम प्रैक्टिकल वे में जो भी कुछ भी झंझट नहीं है आपको, मतलब एक बोर्ड में लिखकर समझाते वक्त हमको बहुत मुश्किल आते हैं, चॉक एंड टॉक का कुछ भी यहाँ काम नहीं है, सिर्फ आपका माइंड और दिल एक साथ काम किया तो इस मॉडल को आप बहुत इजी से आप समझा सकते हो और अपने एग्जाम हो और किसी समय में आप याद करके लिख सकते हो। तो इस मॉडल के द्वारा मैं भी पहले मुझे भी पाइथागोरस मॉडल बोलते बहुत डर लगता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा मॉडल है, मतलब उस थ्योरम में मैंने समझा था, लेकिन व्हेन आई गो टू प्रैक्टिकल, मैंने कब प्रैक्टिकल को मैं चूज किया तब पाइथागोरस लगा कि सिर्फ इतना ही है, लाइक दैट सिर्फ इतना ही है और कुछ ना इंटरेस्टिंग आता है जब पाइथागोरस मॉडल। ये बहुत मेरा लाइक मॉडल है, भी बहुत मैं इसको पसंद करता हूँ, तो इस मॉडल को हमने प्रूव कर चुका है प्रैक्टिकल वे में। सो यही था आज का मेरा मॉडल, सो आपको पसंद आएगा मैं मानता हूँ, तो धन्यवाद।